घर पे ना कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे होने लगे, वो उनके घर पे कुछ स्पिरिट्स भेजा करती थी, मतलब आत्माएं धीरे धीरे ना उसकी मम्मी पे या फिर उसके पापा जी पे, मतलब नाना जी पे, नानी या नाना पे भी समूह कभी कभी वो लोग भेजते रहते थे स्पिरिट्स, वो चेंज करते रहते कभी उसमें कभी उसमें ऐसे कर, मतलब वो लोग ऐसा होते इतने पावरफुल हो जाते थे कि गुस्सा आने के बाद ना वो अपना पलंग उठा देते थे जो कि जनरली कोई नहीं उठा पाता। इनफैक्ट मेरे भाई के अंदर भी वो स्पिरिट आके ऐसा वो तांडव किया उस टाइम पे, मेरी मौसी को मारा उन्होंने, मेरे भाई ने, उसको कुछ पता ही नहीं कि मौसी को मार रहा है। इवन वो फ्रीज वगैरह भी उठा लिया था, एक छोटा सा बच्चा जो 10 में पढ़ता है वो कैसे फ्रीज उठा लेगा। फिर एक पंडित को बुलाया, जैसे ब्लैक मैजिक्स वगैरह करते हैं या फिर जो बेसिकली डायन जिसको बोल सकते हैं, वो अपने बच्चों को ही पहले खाते। जब फेस में थी ब्लैक मैजिक का, वो जब सीख रही थी तो पहले तो अपने पति को मारी, ठीक है, उसको बलि चाहिए होता था, उसके बाद अपने बेटे को भी मारी, ऐसे करके तीसरे को भी मारने जा रही थी, संभव वो बच गया। भूत प्रेत पिशाच हॉरर एक्सपीरियंसेस মানুষের জীবনে অনেক ঘটে, কেউ সেগুলো শেয়ার করতে চান, কেউ সেগুলো শেয়ার করেন না। অনেক পডকাস্টে সিরিজ পরপর আসবে, কিন্তু এটা হচ্ছে পুরোপুরি হরর পডকাস্ট সিরিজ। পডকাস্টটা শুনবেন যারা এই ঘটনাগুলো শুনতে ভালোবাসেন, যারা হরর পডকাস্ট শুনতে ভালোবাসেন। আশা করছি আপনাদের এপিসোডটা ভালো লাগবে, আর যদি আপনাদের সাথে এরকম কিছু ঘটে থাকে সেগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। চলুন শুরু করি। তো আজকে আরও একটা হরর পডকাস্ট নিয়ে আমি অনিরুদ্ধ চলে এসেছি আপনাদের সামনে। আর আগের ফার্স্ট এপিসোডে ফার্স্ট যে হরর পডকাস্টটা হয়েছিল সেটাই খুব ভালো রেসপন্স ছিল, সেদিনকে আমাদের সাথে ছিল অয়ন। আরো একটা হরর পডকাস্ট হচ্ছে, আর আজকে আমাদের গেস্ট হচ্ছে কৃতি। হ্যালো কৃতি। যারা হিন্দি বোঝে তারা তো ঠিক আছে, যারা বোঝে না তাদের একটু বুঝে নিতে হবে। তো আজকে কৃতি আমাদেরকে ইনসিডেন্ট বলবে যেটা ওর সাথে হয়েছিল, একটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ইনসিডেন্ট যেটা আমি আগে শুনেছি। তো সেম মানে ইনসিডেন্ট গুলো আগে আমি শুনে নিই, তারপরে আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করি। তো আজকে কৃতির কাছে আমি চলে যাবো ডাইরেক্ট, এখন কৃতি আমাদেরকে ইনসিডেন্টটা পুরো বলবে। তো কৃতি তুমি বতাযা থা কি কুছ ব্ল্যাক ম্যাজিক কাইসে হুয়া থা। হ্যাঁ, ব্ল্যাক ম্যাজিক হুয়া থা ইন দা সেন্স, মেরে মামা হ্যায় ঠিক হ্যায় উনকা ঘর আসানসোল হ্যায় সেক্সি তরম। তো উস জায়গা পে ও লোগ বহুত আচ্ছা গ্রোথ করে থে আপনে, মতলব ফ্যামিলি ম্যান। অর তো মামা কে কুছ ফ্রেন্ড হ্যায়, फ्रेंड में बहुत ही खास फ्रेंड है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। एंड तो उनकी मम्मी, बाद में पता चला मुझे कि उनकी मम्मी ये सब करती थी। तो स्टार्ट कैसे होता है कि मामा डोमिनोज में मैनेजर बने, एंड वो उनको उनका डेवलपमेंट देखा नहीं गया, उनका वो कामयाबी नहीं देखा गया। तो उन्होंने वो फ्रेंड की मम्मी को, मामा की बहुत क्लोज फ्रेंड की मम्मी को, एंड तो वो क्या हुआ कि वो धीरे धीरे ब्लैक मैजिक करती थी पहले। तो किसी को पता नहीं था वो, क्योंकि ब्लैक मैजिक कोई बताता नहीं कि मैं कर रहा हूँ या फिर मैं जानता हूँ। तो समहाउ उनके घर पे ना कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसे होने लगे, वो उनके घर पे कुछ स्पिरिट्स भेजा करती थी, मतलब आत्माएं, क्योंकि उनकी मतलब मामा की दो बहन है। तो एक बहन में वो आया, ठीक है, उनका जो इंसिडेंट ऐसा था कि वो मतलब पेड़ से या फिर पेड़ से बिल्ली बैठी रहती थी उनके आंगन में। आंगन पता है ना, इस बंगाल में उदन बोलते हैं। उस आंगन में वो जामुन का पेड़ था, वो सीधा था पूरा, उस पेड़ में वो बिल्ली जाके बैठी रहती थी। वो बस मतलब वो चौंकाने वाली बात थी कि उस सीधे वाले पेड़ में बिल्ली कैसे बैठ सकती है। तो अब क्या है कि वो क्यों सीधे वाले पेड़ में बिल्ली क्यों नहीं बैठी, कैसे जाएगी बिल्ली ऊपर, कोई बेस नहीं है। हाँ, ऊपर में चढ़ के बैठी थी और वो उससे बात करी, वो बिल्ली जैसे बोलती है म्याओ करके, और तो वो वैसे मौसी उससे बात कर रही है। तो बहुत अजीब सा ये सबको लगा कि ये कैसे हो रहा है, मतलब ये क्या कर रही है। तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया। फिर धीरे धीरे और एक मौसी में भी उन्होंने मतलब स्प्रेड भेज कर दी उनके घर में, धीरे धीरे वो उसको पोजेस कर लेगी घर अपने ब्लैक मैजिक से। तो अब ऐसा होता था कि वो घर पे ना बहुत लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि उनके अंदर तो दूसरी आत्माएं रही, दोनों मौसी के अंदर। तो वो अब जाके वो उनसे रिपोर्ट कैसे लेती थी, वो बिल्ली के जरिए बिल्ली आती थी, वो देखती थी उनसे, उनका कुछ आई कॉन्टेक्ट वगैरह होता था और वो चली जाती थी। मतलब ये बहुत अजीब सा हरकत होने के बाद ना, मतलब कुछ फर्स्ट इंसिडेंट ऐसा है कि वो जो दोस्त की मम्मी थी, हाँ, वो ब्लैक मैजिक करके स्पीड भेजती थी, हाँ, जब वो पोजेस हुई दोनों मौसी, हाँ, हाँ, तो बिल्ली को भेजती थी बात करने,
तो वो स्पिरिट बात करता था कि स्पिरिट बात करता था मौसी की बिल्ली से बात करने जाएगी। अगर मेरे घर पे भी बिल्ली है तो मैं बिल्ली से कैसे बात करूंगी, अरे कितनी क्यूट है, इतनी अच्छी लग रही है, मैं ये थोड़ी ना बोलूंगी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे बहुत आराम से हूँ। मैं तो बिल्ली से नहीं बात करूंगी, मेरे घर पे बिल्लियां हैं, दो तीन बिल्लियां हैं, तो मैं बिल्लियों से अरे कितनी क्यूट लग रही है, मैं उनके साथ खेलती हूँ, मैं उसको ये नहीं बोलने जाती मैं ठीक रही, कोई नहीं बोलता, तुम भी नहीं बोलते वैसे, तो या कुत्ता भी रहे कोई भी रहे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मामा का नौकरी भी मतलब समहाउ उसके वजह से साइड इफेक्ट आ रहा था मामा के नौकरी में, मतलब वो चाह रही थी कि वो उनका बेटा कुछ नहीं कर रहा है, फिर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम भी कुछ मत करो ठीक है। तो और फिर उसके बाद ये होने के बाद धीरे धीरे ना उसकी मम्मी पे या फिर उसके पापा जी पे मतलब नाना जी पे, नानी या नाना पे भी समहाउ कभी कभी वो लोग भेजते रहते थे स्प्रिट्स, वो चेंज कर रहे थे कभी उसमें कभी उसमें, ऐसे करते सबके अंदर। तो ऐसे करते ना करते बहुत परेशान है कि वो लोग मतलब परेशान हो गया वो कि ये क्या हो रहा है घर पे, मतलब वो लोग ऐसा होते जितने पावरफुल हो जाते थे कि गुस्सा आने के बाद ना वो अपना पलंग उठा देते थे जो कि जनरली कोई नहीं उठा पाता है। तो ये पता तब चला मेरा भाई ऋतिक तो वो मामा लोगों के साथ वैष्णो देवी रह गया हुआ, तो मामा ने बोला कि जब वापस लौट रहे थे कि बाबू क्या करेगा घर जाके, अभी सुबह में हम लोग पहुंचे हैं, तुम रेस्ट ले लो यहाँ पे, शाम को ट्रेन है, तुम डायरेक्ट घर पहुंच जाओगे। तो भाई बोला ठीक है, तब वो छोटा था उतना ज्यादा बड़ा नहीं था, आई गेस वो 10 वगैरह में कुछ पढ़ रहा होगा, 7 या 9 में पढ़ रहा होगा आई गेस ऐसे कुछ। तो बोले ठीक है मामा जी हम रुक जाते हैं, तो वो सोया हुआ था। इनफैक्ट मेरे भाई के अंदर भी वो स्पिरिट आके ऐसा वो तांडव किया उस टाइम पे, मेरी मौसी को मारा उन्होंने, मेरे भाई ने, उसको कुछ पता ही नहीं है कि मौसी को मार रहा है ठीक है। इवन वो फ्रीज वगैरह भी उठा लिया था, एक छोटा सा बच्चा जो 10 में पढ़ता है वो कैसे फ्रीज उठा लेगा ठीक है, पलंग उठा लिया था, मौसी को बहुत पीटा, मौसी कुछ कुछ नहीं गई होगी फिर ये करने का, तो उसको इरिटेशन लगा, वो आराम कर रहा था उस टाइम पे, इरिटेशन लगा वो पूरा मौसी को मारने वाने लगा। तो ये देखने के बाद ना अचानक से जब उसके अंदर से कोई स्प्रिट निकला ना, वो बोले कि ये क्या हो रहा था, मैं जगह क्यों हूँ, तो मौसी ने तुम्हें तो मेरे को मार रहा था, तो बोले कि नहीं तो मौसी मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। तो मतलब इसमें विश्वास कभी होता नहीं था, जब वो भाई के ऊपर हुआ ना तब मेरे को विश्वास हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है ठीक है। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो घर से बाहर नहीं निकलती थी, मेरी नानी निकलने नहीं देती थी क्योंकि वो पता था कि वो वैसा काम करती है। अब इसको पूछने के लिए हमने एक पंडित को बुलाया, वो आए मतलब वो एक्चुअली मेरे कांटेक्ट में पंडित जी थे, तो वो हमारे पास आए, उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने एक डायरेक्शन बताया कि देखना हमारे घर के पीछे एक औरत रहती है जो विडो है, विधवा है ठीक है, उसका एक बेटा और एक बेटी है, तो बोले हाँ रहती तो है, तो वही कर रही है ठीक है। तो समहाउ उन्होंने पता लगाया, तो पता चला कि हाँ वही कर रही है, इनफैक्ट उनके फैमिली में भी कुछ मेंबर्स थे, तो बोला जाता है जो ब्लैक मैजिक्स वगैरह करते हैं या फिर जो बेसिकली डायन जिसको बोल सकते हैं, वो अपने बच्चों को ही पहले खाती। तो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग वो जब फेस में थी ब्लैक मैजिक का, वो जब सीख रही थी तो पहले तो अपने पति को मारी ठीक है, उसको बलि चाहिए होता था, उसके बाद अपने बेटे को भी मारी, ऐसे करके तीसरे को भी मारने जा रही थी, समहाउ वो बच गया क्योंकि उसको पता चल गया था मेरी मम्मी ये सारा काम कर रही है, तो वो कभी भी अपने घर पे किसी को जाने नहीं देता था। ऐसे करते करते हम लोग मतलब पता लगाए, तो लास्टली तो मौसी या नानी वगैरह अजमेर शरीफ जा करके दरगाह से वहां से पीर बाबा को बुला करके पूरे घर को बनवाया ठीक है। बनवाने के बाद उनको क्या घर में तो घुस नहीं पाती थी, सबके पास कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन रहता था, तो ऐसा भी होता था कि वो घर से बाहर बुलाते थे लोग ठीक है। हम लोग को मम्मी अभी भी नहीं जाने देती उनके घर पे, बोलती कि मत जाओ क्योंकि वो वहां पे जाओगी तुमको भी हो जाएगा सुस्ता, वो तुमको भी ये कर लेगी पोजेस कर लेगी। मैं बोली कि क्यों, एक दिन तो मम्मी ने मेरे को डांटे दिया कि अरे, मैं बोली मम्मी मामा के घर जा रही हूँ, तो बोले क्यों जाओगी किस लिए जाना है, तो बोले क्यों वैसे ही, तो मैं तो मतलब नॉर्मली मेरे को पता है कि कुछ होगा नहीं वैसे, तो मम्मी की नहीं नहीं जाना होगा, बोले क्यों, तो मम्मी बोल रही कि अरे तुमको पता नहीं ऐसा ऐसा होता था तुम वहीं पे जाओगी, तो बोले अभी भी होता है, बोले हाँ अभी भी होता है, अगर वो ताबिज खोल देना अभी भी उसको पोजेस कर लेगा, मतलब ऐसा है अगर कोई आउट ऑफ फैमिली मेंबर गया है फिर कोई कुछ गया, मैं ही गई, मेरे पास कुछ नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, कोई ताबीज नहीं, कोई भगवान का फोटोज वगैरह नहीं है, तो वो मेरे को पोजेस कर सकते, इसलिए मम्मी जाने नहीं देती है। मेरी बहनें वगैरह गई थी तो कभी उनका तबियत खराब हो जाता था, फैमिली फंक्शन में गई थी, ऐसा बहुत कुछ हुआ है,
तो उस वजह से मेरे को लगता है कि ब्लैक मैजिक जो है ना, मतलब वो लोग किसी का भी अच्छा नहीं देख पाते, उनको बस अपना सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, ठीक है। और हालांकि भी कुछ लोग हैं जो कि ये सारा काम करके किसी का भला करते हैं, किसी का बुरा भी करते हैं, बट जो बेसिकली अपने लिए करते हैं ना, खुद के लिए सीखते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे सीखना है, वो किसी का भी अच्छा नहीं दे सकते। अपने आजू बाजू को तो देख ही नहीं सकते वो अपना अच्छा, तो वहां से पता चलता है कि मतलब कितना गंदा हो सकता है ब्लैक मैजिक। को अपने फैमिली मेंबर तक को भी नहीं छोड़ता है, मतलब वो अपने हस्बैंड तक को भी मारती, अपने बेटे तक को भी मारती, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, बस उसको पावर चाहिए। तो वो जो स्पिरिट था तुम्हारे मौसियों के अंदर जो था, और वो मतलब जो वो भेजी थी, तो वो कैसे गया? वो पीर बाबा जब आए थे ना, तभी उन्होंने सबको हटाया, ठीक है। हटाने के बाद पूरे घर को बांधा, क्योंकि वो घर पे अगर वो बंधा हुआ रहता है ना, अभी भी उनका घर में वो बंधा ही हुआ है चारों तरफ। हम लोग देखे भी है, हमने नोटिस भी किया, हमने पूछा कि क्या है मम्मी, तो बोले कि वो मौसी गई थी ना अजमेर शरीफ, नानी वगैरह, तो उन्होंने ही बांध दिया कि इनके घर को मतलब प्रोटेक्शन में बंधे रहे, इनको कुछ हार्म ना हो, नहीं तो वो पूरे फैमिली को ही, ऐसा थी वो फैमिली को ही मार देती पूरे धीरे धीरे करके, जैसे अपने बच्चे को मारी, हस्बैंड को मारी, अपने फैमिली तक को, मतलब उस फैमिली तक को मार देती। ऐसा तो बंद है, इसलिए वो स्पिरिट अंदर नहीं आ पाती, नहीं आ रहा है। और सबके पास ताबीज अभी अभी भी है, अभी भी अगर वो ताबीज खोल देना, मेरी मौसी का शादी मतलब मेरे घर के आजू बाजू हुआ है, हालांकि वो आसनसोल में रहते हैं, तो हम लोग जा सकते हैं, सिर्फ 2-3 स्टेशन का दूरी है, तो वो अगर यहाँ पे ताबीज खोल देना, यहाँ तक उनको इफेक्ट होता है उस चीज का। ये मैं सुना था कि मतलब अगर समझो कि कोई किसी का प्रोटेक्शन है तो वो कहीं और रहता है, या शादी हो गया चला गया कहीं और, तो अगर उधर अगर खोल दिया तो स्पिरिट यहाँ से वहाँ भी जा सकता, वहाँ पे भी जा सकता है। ये केस मेरे पास ऐसा था, मैं सुना था कि ऐसा था, क्या गले में कुछ था ताबीज, वो खोल दिया तो उसके बाद वहाँ से वहाँ जाके उसको मार दिया, मार ही दिया। तो ऐसे मेरी मौसी के साथ हुआ था, तो हालांकि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वो फोन वोन कर लेते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, और वो तुरंत आती है, तो हम लोग जिस मंदिर मतलब पंडित जी को दिखाते हैं, वो पंडित जी के पास जाते हैं, झाड़ बाड़ देते हैं, तो वो ठीक हो जाती है। तो वो ताबीज भी वो अगर कहीं खोल के रखी है उस चीज को, मतलब किसी पर्पज की वजह से खोल के रखती, मैं बाद में पहन लूंगी, वो उतने दिन वो काम कर देता है वो, क्योंकि उस टाइम उसके पास ताबीज नहीं रहता ऐसा। तो फिर मेरे भाई के साथ जब ऐसा हुआ, भाई को भी ताबीज दिया गया कि तुम भी, क्योंकि कब कहाँ पे कैसे करते, हमारे साथ भी करते, इसलिए हम कांटेक्ट में उनसे रहते ही नहीं है, हम लोग उनसे थोड़ा दूरी बनाए हुए रहते हैं कि समहाउ कि वो हमें ना हार्म करते, हमको कभी देखे वहां पे और हम पे भी हार्म करते, तो फिर कोई थोड़ी ना चाहता है कि हमारे बच्चों को कोई हार्म करते, हम भी नहीं चाहते उनको कुछ हार्म हो, बट फिर भी थोड़ा डर लगता है उन चीजों से, तो हम लोग कभी नहीं जाते, मतलब जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, या फिर कुछ ऐसा ताबीज वगैरह लेके जाते जिससे कि हम लोगों को कुछ हार्म ना हो इन फ्यूचर में। तो सब থেকে যেটা মেইন কমন ইনসিডেন্ট থাকে সেটা থাকে ব্ল্যাক ম্যাজিকের, তো কৃতি ব্ল্যাক ম্যাজিকের একটা ইনসিডেন্ট বললো যেটা থেকে এখনো কিন্তু মানে ওদের ফ্যামিলি, ওদের মামাবাড়ির ফ্যামিলি কিন্তু পুরোপুরি মুক্তি পায়নি, ওদের বাড়িটা যেটা ও বললো আপনাদের জন্য একটু ক্লিয়ার করে দিই, ওদের বাড়িটা বাধা আছে, যেটা পীর এনে ওরা বাঁধিয়েছে মামা বাড়িটা, আর ওদের মামা বাড়ির সবার কাছে সব মেম্বারদের কাছে একটা করে তাবিজ থাকে, তাবিজটা এখনো আছে। তো প্রীতি এটাই বললো যে ওই তাবিজ গুলোর জন্যই এখনো পজিশনটা হয় না, কিন্তু ওই তাবিজ গুলো যদি না থাকে বা বাড়িটা যদি বাধা না থাকে তাহলে কিন্তু পজিশনটা এখনো হতে পারে। তো ব্ল্যাক ম্যাজিক এতটাই হার্মফুল হয় যে একবার যদি হয়ে যায় সেটা কিন্তু যখন তখন এফেক্ট করতে পারে। তো এই ইনসিডেন্টটা এরকম সিমিলার একটা ইনসিডেন্ট আমার মানে শোনা ছিল, তো প্রীতি এটা শুনে আমার কথাটা মনে পড়ে গেল, যেটা আমি ভিডিওতে বললাম। তো এই ইনসিডেন্টটা খুবই মানে নষ্ট করে দেয়, আর মেইনলি এটা হয় হিংসার জন্য। তো প্রীতি এই ইনসিডেন্টটা ভালো ছিল, মানে আমার তো আমি যেহেতু ফেস করেছি অনেক কিছু, আমি জানি যে আমার বুঝতে পেরেছি হোয়াট ইউ আর সেইং। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। আর এক বার জেসে কি মানে বলা না, বিল্ডিং ও পেড়ে চড় যায়, तो उसके चक्कर में वो जामुन का पेड़ भी कटवा दिया गया, अब उसको वो कांटेक्ट करने नहीं पा रही, मतलब वो कैसी है नहीं है, तो उसको बाहर आकर के कोई एक पर्सन आके या फिर खुद ही आके वो पूछ के जाती है, इस आरो में भी पूछ के जा सकती है, ये भी पूछ के ठीक है ना सब, बस इतने उसका इंडिकेशन रहता है कि उसका जो आत्मा भेजा हुआ है वो ठीक है कि नहीं है, आप भीतर से क्या हो रहे हो नहीं पता उनको, बट वो ठीक है, उसको वो अच्छा है, वो मतलब कोई डेवलपमेंट करना नहीं दे रही उस फैमिली में कुछ भी नहीं, उसके वजह से उनका हेल्थ इशू बहुत हो गया, फिर टेंशन हो गए, अभी भी बहुत हेल्थ इशू से वो लोग गुजर रहे हैं,
तो धीरे धीरे ये ठीक हो रहा है, बट वही है जब तक वो ताबिज है उनके साथ तब तक वो सही है, और हम लोग भी दूर रहते हैं उनके वजह से ही बस। तो वो आप वहाँ भी कहाँ है? वो अब नहीं आ पाते है ना, वो सोचते है कि कैसे हम इसमें भेजे। पूछने किसको भेजते है? कुछ नहीं, वो मतलब जब हमने पेड़ कटवा दिया ना, नानी ने पेड़ कटवा दिया कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्ली कैसे चढ़ जा रही है, नानी को तब समझ में नहीं आ रहा था, तो नानी ने पेड़ ही कटवा दिया। तो अब हम लोग भी बहुत दुखी हो गए यार, जामुन आता था मीठा मीठा बहुत प्यारा सा, तो हम नहीं खा पाएंगे। तो बाद में पता चला रीजन ये था कि वो बिल्ली उस पेड़ पे चढ़ के उनसे सारे इन्फॉर्मेशन लेती थी तुम ठीक हो कि नहीं, तो उस जगह पे खड़े होके वो बाहर खुद आती थी एक बार पूछ के जाती थी, और उस टाइम ठीक दोनों गेट के सामने खड़े होके वो दरवाजा खोल के खड़ी रहती थी कि वो आएगी अब हमसे पूछने। दोनों मौसी? हाँ दोनों मौसी। और नानी को पता भी नहीं है वो क्यों बात करने आ गई है, ठीक है कोई कुछ नहीं पता, वो उसी टाइम जाके खड़ी रहती थी जब वो पूछने आने वाली होती थी। ये कैसे हो सकता है? फोन पे तो ना वो पूछेंगे कि भाई हम आ रहे तुम रहो खड़े, वैसा कुछ नहीं, वो उस टाइम पे खड़ी हो जाती थी जाके दरवाजे पे बोलने के लिए मैं ठीक हूँ कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, जहाँ उसको बोलती थी तकलीफ हो रहा है बस फैमिली मेंबर को तकलीफ देने लगती थी। এই ছিল আজকে ফার্স্ট ঘটনা। কৃতির সাথে আরো একটা ইনসিডেন্ট আমরা রেকর্ড করেছি যেটা এর পরের এপিসোডে আসবে। এই এপিসোডটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর যদি আপনাদের সাথে এরকম কিছু ঘটনা ঘটে থাকে, এরকম কোনো হরর ইনসিডেন্ট রিয়েল যেগুলো রিয়েল কোনো বানানো কিছু না, তাহলে কিন্তু শেয়ার করতে পারেন আমাদের, আমাদের নিচে মেইল আছে ওই মেইলে শেয়ার করতে পারেন, এবং এখানে এসেও কিন্তু পডকাস্টে আমাদের সাথে এই ঘটনাগুলো বলতে পারেন, সবার সাথে শেয়ার করতে পারেন। কৃতির নেক্সট এপিসোডটা আসবে এর পরের ভিডিওতে, তো সেটার জন্য চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর সবার সাথে শেয়ার করতে হবে, কারণ এই ইনসিডেন্ট গুলো যাদের সাথে হয় তারা জানতে পারে, কিন্তু যারা জানে না তাদের সাথে এইগুলো শেয়ার করলে তারাও জানতে পারবে, তারা অনেকটা কেয়ারফুল থাকতে পারবে। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টিল দেন টেক কেয়ার।